दोस्तों, अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे एक्टर अक्षय कुमार को अब भगवान याद आ गए हैं। भले ही OMG 2 अक्षय कुमार के नाम पर बेची गई हो, लेकिन यहां तो फिल्म की वाहवाही पंकज त्रिपाठी ले गए। वही फिल्म में अक्षय साइड एक्टर ही बनकर रह गए हैं। इस भंवर में फंसे अक्षय कुमार को शिवाय भगवान के और कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए उन्होंने माथा टेकने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर नाथ के दर्शन के लिए जा पहुंचे, जहां इन दिनों बॉलीवुड के कई अन्य सितारे का भी आना जाना वहां लगा हुआ है। वही अक्षय कुमार को माथे पर तिलक और केसरिया रंग के धोती पहने देखा जा सकता है। ऐसे अवतार में वो पहली बार नजर आ रहे हैं। बता दें कि अक्षय कुमार के साथ उनके बेटे आरव और क्रिकेटर शिखर धवन भी नजर आए। अक्षय कुमार काफी देर तक आम इंसान की तरह जमीन पर बैठे रहे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मानो अक्षय कुमार सब त्याग कर भगवान की शरण में आ गए हो। वही अक्षय कुमार का जन्मदिन भी था, इसलिए उन्होंने मंदिर जाना मुनासिब समझा। आपको बताते चलें कि साल 2021 में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशम हिट हुई थी। तब से अब तक अक्षय की 6 फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिसमें OMG 2 को छोड़कर सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई है। वही इन फिल्मों के जरिए अक्षय ने प्रोड्यूसर्स का 1,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए को डुबो दिया है। इस दौरान उन पर जमकर आरोप भी लगे हैं कि वो पैसे कमाने में इतने पागल हो चुके हैं कि वो ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। वही आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज आ रही है। पिछले दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस हैं और डरे हुए भी, क्योंकि अगर इस फिल्म के साथ फ्लॉप जैसे अनहोनी होती है तो अक्षय के करियर पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसी फिल्म के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। वही अक्षय के साथ के सभी एक्टर सलमान, शाहरुख, यहाँ तक कि सनी देओल का करियर भी ट्रैक पर आ गया है, लेकिन अक्षय कुमार का करियर इन सब के पीछे ही रह गया। तमाम कोशिश के बाद भी अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूर होकर उन्हें महाकाल की शरण में जाना ही पड़ गया है। वेल दोस्तों, आप इस पर क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।